अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज मैं आपको कॉर्न्स को स्टोर करने का तरीका बताऊंगी। उसके लिए मैंने ये भुट्टे लिए हैं। सबसे पहले हम इनके ये जो छिलके हैं उतार लेंगे। इनके दाने उतार लेंगे। निकाल लिए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। एक बर्तन लेंगे, उसको पानी के साथ आधा फिल कर लेंगे और बॉयल आने तक पकाएंगे। पानी में उबाल आ गया है। अब इसमें एक चम्मच ऑयल या फिर घी शामिल करेंगे। अब इसमें कॉर्न्स डाल देंगे। इसे हमने ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 2 मिनट पकाना है और वो भी चम्मच चलाते जाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे किसी स्ट्रेनर या फिर टोकरी में निकाल लेंगे। कॉर्न्स को हमने निकाल के स्ट्रेन कर लिया है। अब इन्हें किसी कपड़े पे फैला देंगे। अब हम इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम इन्हें स्टोर करेंगे। अगर हम गरम गरम स्टोर कर देंगे तो इससे इनकी स्वीटनेस ख़राब हो जाएगी। कॉर्न्स ठंडे हो गए हैं, ये खुश्क भी हो गए हैं। अब हम इन्हें स्टोर करेंगे। एयर टाइट बैग में हम इन्हें स्टोर करेंगे। अगर आपने इकट्ठे यूज़ करने हैं तो आप सारे एक ही बैग में स्टोर कर लें, लेकिन अगर आपने थोड़े थोड़े करके यूज़ करने हैं तो आप छोटे छोटे पैकेट बना लें। अब इन्हें फ्रीज़र में स्टोर करके तकरीबन 6 महीने के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारी आज की वीडियो होती है ख़त्म। दुआ में रखिएगा याद। फ़ी अमान अल्लाह।